आज मैंने बनाया है ब्रेड और आलू का ही मज़ेदार सा चटपटा सा यम्मी सा नाश्ता, और बहुत आसान है, आप भी बहुत आसानी से इसको अपने घर पे बना सकती हैं। तो ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है ना, उतना खाने में भी मज़ेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसमें मैंने दो आलू ले लिए हैं बॉयल किए हुए, और इनको हम कर लेंगे अच्छे से मैश ऐसे करके। उसके बाद इसमें हम मिलाएंगे 2 चम्मच इसमें हम मैदा पाउडर डालेंगे, और सेम 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे स्टार्च पाउडर, ठीक है। उसके बाद 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, और 1 हरी मिर्च, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और हरा पत्ता धनिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स ऐसे। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और नमक एज पर टेस्ट, और थोड़ा सा इसमें आप हींग भी मिला देंगे ना तो भी अच्छा लगेगा ये। और अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स की रेडी हो गया है, और इसके बाद चलिए लेते हैं ब्रेड। तो मैंने बताया ना, बहुत झटपट, हार्डली आपको 10 मिनट लगेंगे इस नाश्ते को तैयार करने में, और बच्चों को इस तरीके की चीज़ें बड़ी पसंद आ रही है। तो ब्रेड पर हम सबसे पहले बटर को स्प्रेड कर देंगे अच्छे से, पूरी ब्रेड में लगा लेंगे ऐसे, और फिर इसके ऊपर जो हमने आलू का मटेरियल रेडी किया है ना, उसको इस पर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो क्या है ना, आलू में कॉर्नफ्लोर भी पड़ा हुआ है, मैदा भी पड़ी हुई है हल्की सी, तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको सोलो फ्राई करेंगे। हम यहाँ पर सोलो फ्राई करेंगे इसके ऊपर। जब ब्रेड पर अच्छे से अप्लाई कर दिया ना, तो उसमें थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे, तो इसे ना थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में भी और खाने में भी। और इसको हम ऐसे करके पहले नाइफ से मार्क कर लेंगे, और फिर बराबर स्लाइसेस में हम काट लेंगे ऐसे करके। तो ये देखिए कट गया अच्छे से पूरी, दोनों ब्रेड की ऐसे हम पीसेस कर। आप चाहें तो और भी इसमें पीसेस कर सकते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे लंबा लंबा काटा है, आप इसमें स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं, छोटी छोटी पीसेस भी कर सकते हैं। लेकिन क्या उनको सेकने में फिर दिक्कत होगी, क्योंकि आलू लगा हुआ है थोड़ा सा, तो स्टिकी रहती है। फिर हम एक तवा लेंगे या फ्राई पैन लेंगे, तवा पे थोड़ा सा तेल डाल देंगे 1 चम्मच, और उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे तवे पे तेल को फैला लेंगे अच्छे से ऐसे करके। इससे क्या होगा ना कि बिल्कुल भी जो ब्रेड हमने रेडी किया ना, वो स्टिकी नहीं होगी, और तवा पे कहीं चिपकेगी नहीं अच्छे से। उसको हम कुक कर लेंगे यहाँ पे, और पहले हम उल्टे साइड से जिस पे हमने आलू लगाया है ना, उस साइड से हम रखेंगे ऐसे। तो देख रहे हैं, पलटेंगे थोड़ी देर बाद, तो देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, और बहुत चीज़ें अच्छे से देखेंगे। मैं आपको पलट के दिखाती हूँ, सीख भी रहा है, और ऐसे ही दोनों एंड से हम सीख लेंगे, सेक लेंगे इसको ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ऐसे, और इसी तरीके से जितनी भी ब्रेड हमने रेडी की है फिलिंग करके, उसको हम सेक लेंगे। ये थोड़ा सा क्या हैवी हो जाता है ना, तो लुढ़क जाती है इधर उधर। तो ये तो रेडी है आज का गर्मा गर्म सा टेस्टी सा नाश्ता ये, और बहुत जल्दी बनता है, और बहुत आसान है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। ओके बाय।